हेलो हाय नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। आपको बता दें कि आप इस वक्त हमारे पीछे देख रहे हैं कि एक परिवार खड़ा हुआ है और वेदांता अस्पताल के सामने हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल आपको बता दें कि क्या घटना हुई है, एक अपाहिज को मार मार कर, जो कि पहले से ही जिसके एक पैर नहीं था उसको इस तरीके से मारा जाता है कि जो उसके शरीर के दूसरे अंग थे वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से काम करना बंद कर देते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं के परिवार वालों से कि ऐसा क्या हुआ था कि जो पहले से ही परेशान, जो पहले से ही अपाहिज था उसको इस तरीके से मारा गया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हाँ जी सर, आप बताएंगे कि क्या हुआ था? मैडम एक्चुअली हुआ था, मेरा नाम वीरेंद्र है, फरीदाबाद से ही हूँ। एक्चुअली हुआ था, मेरे मामा का लड़का है, वो अपना किराया लेके घर से और जा रहा था घर के लिए, जो किराया भारत कॉलोनी से। रास्ते में इसको घेर लेते हैं जो हमारे पड़ोस के रहने वाले हैं, उनके पड़ोस के रहने वाले। वो 5-6 लड़के हैं जिनमें राकेश के हैं, दो लड़के तो मोहित और पवन नाम है, और बाकी और 5-6 हैं। बाकी और 5-6 लड़के थे जो है, उन्होंने इसको पहले तो पीछे से स्कूटी पे मारा है टक्कर, फिर ये जब ये नीचे गिर गया है स्कूटी से, फिर हाथ पैर मतलब पकड़ पकड़ के तोड़ा गया, 10 जगह से फ्रैक्चर है। अच्छा, स्कूटी से नीचे गिरने के बाद भी पकड़ के मारा गया? रोड से ऐसा कुछ लिया, हाथ पाम उसके सरियान से ऐसा कुचल दिया, एक हुए नस डैमेज कर दी बिल्कुल। अच्छा, एक सत्य को, एक विक्रम को हो, एक मोहित नवीन। क्या दोबारा से बताएंगे? मोहित नवीन राकेश के, कल्लू सत्ते को और बिक्की वा को है, विक्रम को। कहाँ के रहने वाले हैं ये? कोटला, कोटला के रहने, कोटला वाले हैं, नचौली के पास कोटला के रहने वाले। हाँ, कोटला वाले ही बोले, उसे 99 कॉलेज के साथ रहे हैं। ये कोई पहले से कोई रंजिश वगैरह थी, कोई विवाद चला? रंजिश तो नहीं थी, बस थोड़ा बहुत कोई जमीन को लेके कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत, बाकी रंजिश तो ऐसी कुछ नहीं थी। बाकी इनको जो है, इनको है ऊपर से जो मंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है, यहाँ इनकी जमीनें भी की है, वहाँ पे जमीनें भी करने को ये बोलते हैं कि हमारी जमीनें भी की है, हम किसी को भी, इनका काम ही है मतलब, ये बदमाशी करते हैं, इनके पास अवैध हथियार हैं सारे, टोटल अवैध हथियार रखते हैं ये अपने पास, और इसी तरह का काम करते हैं ये आए दिन। इनको मंत्री जी का आरक्षण है पूरा। हाँ, ये मंत्री जी को अपने मामा बताते हैं। हाँ जी, अंकल क्या बताते, आप इधर आइए। ये ऐसा है जी, हमारे रिश्तेदार, इनका इकला घर है तवर का, और बाद में बैठते हैं उस गांव में, इनको कुछ छोटी मोटी पहले रंजिश होगी। ये लड़का 27-28 साल का, एक पैर से अपाहिज था, और अपाहिज होने के नाते फिर रात को कुछ 10-11 बजे की बात है, घेर करके एक गाड़ी में थे कुछ आदमी, 4-5 बाहर थे, पहले तो सिक्योरिटी से टक्कर मारे, उतर के राड़ा से इसके हाथ पैर तोड़ दिया, और वो युवक बचने में भी मुश्किल है। अच्छा, अभी हालत काफी गंभीर, बहुत हालत गंभीर है, हो सकता है कि अभी डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि अभी कोई सिस्टम ठीक नहीं है। अच्छा, मतलब देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है कि शायद कोई पहले आपसी रंजिश थी या कोई विवाद जमीन वगैरह को लेकर भी बता रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से मानवता को भी शर्मसार करने वाली ये बात है कि कोई अपाहिज है पहले से ही, कोई भी विवाद था लेकिन किसी अपाहिज को रात के 10-11 बजे करीब कहीं से वो आ रहा था और उसको स्कूटी से पहले उसे गिराया जाता है, फिर उसके बाद उसको इस तरीके से मारा जाता है कि उसके शरीर के जो बाकी अंग है वो भी काम करना बंद कर देते हैं। और इन्होंने बताया कि जो डॉक्टर्स है वो, उनका कहना है कि उसकी हालत जो है अभी भी काफी ज्यादा सीरियस बनी हुई है, क्योंकि अभी देखिए आप अस्पताल के आगे ही मौजूद हैं और जो परिवार वाले हैं वो भी यही मौजूद हैं कि क्योंकि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं काफी सीरियस हालत बनी हुई है। सर आए और जिनसे वो ऐसा घुमा घुमा कर कुचल दिए, वे नस सारी डैमेज कर दी। इससे पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ है कभी? मारपीट हालत में वो तो नहीं है ना, पर वे तो यही काम करते हैं आए दिन, कभी किसी को गुदते हैं, कभी किसी को मारते हैं। पास में रहते हैं आप? हाँ, पास में ही रहते हैं, और रोड पे तो जो आवाज जाई का मन करे भाई टक्कर मार के गिर ले और मार ले, और गैल में रखते हैं। कितने लोग थे जिन्होंने उन्हें मारा? 15 लोग बताने हैं वैसे तो। अच्छा, 15। हाँ, कोई फत्ते पर कोशिश करेंगे कि आपको उस युवक की हालत दिखाएं। देखिए अगर किस तरीके से, देखिए अभी भी उसकी हालत कितनी ज्यादा गंभीर है। देखिए आप देखिए, ऑलरेडी एक पैर से वो अपाहिज है और जो दूसरा उसका पैर है वो किस तरीके से पूरा टूट फूट गया, दोनों हाथों में पलस्तर बंधे हुए हैं, और देखिए किस तरीके से, और इन परिवार डॉक्टर्स का भी कहना है कि अभी हालत जो है काफी गंभीर बनी हुई है, और डॉक्टर अभी बता नहीं पा रहे कि ये जल्द से जल्द ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे।
कल से कोई उनकी सुनाई काहे में भी नहीं हो रही है। और एक्सीडेंट बता के ना और सब कुछ पर्दा गिर दिया। आपके एक्सीडेंट बता रहे हैं मतलब? हाँ। और सरियान तक, जबकि सरियान तक कुचल दिया बिल्कुल। आपको कैसे पता कि सरिया वगैरह से ही मारा गया है? पेशेंट को होश आया, उसने बोला ये। अच्छा, पेशेंट ने थोड़ा सा होश आया, उन्होंने इसको जान से मार के घेर दिया था। वो तो कोई सांस इसमें थी जिसकी वजह से थोड़ा बहुत नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से इसको कतई जान से मार दिया था। अच्छा, मतलब जान से मारने की प्लानिंग थी उनकी, वो अपनी तरफ से तो मार के घेर गए थे उसको। इसमें कोई सांस थी जिसमें इसको उठा के ला के हमने यहाँ एडमिट कराया था। हाँ जी। तो आपको किसने सबसे पहले जानकारी दी थी कि आपका जो भाई है चलने वाले ने फोन करा और उसके नंबर देख के फोन किसी ने उठा के फोन किया था कि ऐसे ऐसे आपका? अभी कुछ और भी जिस जो व्यक्ति है उसने, युवक ने कुछ और भी बोला है कि कौन किसी के नाम वगैरह कुछ अगर ले? हालत में ही नहीं है वो, उनने ऐसे बोलो मर गो बच गो। अच्छा, ये और बोलो पुलिस वाले ने तो उनने जिन्ना मारा, जिन्ना मारा। उन्होंने पुलिस वालों को फोन किया था? अच्छा। उन्होंने पुलिस को फोन किया है, पूछा है फोन करके कि वो जो बंदा हमने मारा है वो मर गया कि बच गया? बच गया। नाम एक बार बताएं क्या था पूरा? मोहित नाम है एक, का एक पवन नाम है, ये राकेश के हैं, एक कल्लू है, एक कल्लू है, ये राकेश के है जो। अच्छा, और जो जो युवक है उसका नाम क्या बताया था? प्रदीप है, प्रदीप तवर नाम। हाँ है। और अभी शादी वगैरह हो गई? शादी होकर तदाई सरियान था मसक मसक कर पूरा घायल कर। देखिए किस तरीके से, देखिए आपको बता दे जो परिवार वाले हैं एक दूसरे पक्ष पर काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अगर दूसरा पक्ष भी चाहे तो अपना पक्ष रख सकता है, क्योंकि काफी गंभीर आरोप इन लोगों ने लगाए हैं कि उन लोगों ने रात के समय कम से कम 10-15 लोग थे और उसको इस तरीके से मारे पूरे हाथ सकते हैं। सरिया ऐसा कुचल दिए, घुमा दिए सरिया उसके शरीर में घाल घाल के। अच्छा। उसको जो लोहे का सरिया जूता बनवा रखो वो भी दूर फेंक दिया उपाड़ के। तो देखिए आपने सुना कि किस तरीके से युवक को मारा गया है और अभी भी डॉक्टर की खून वगैरह कह रही है कि अभी भी बंद नहीं हो रहा, डॉक्टर्स ने सीरियस कंडीशन बताई है। बाकी दूसरा पक्ष भी हमने जैसे कि कहा कि अगर अपना पक्ष रखना चाहे तो रख सकता है। और हम प्रशासन से यही गुहार करते हैं कि जो भी इसके अंदर दोषी है उसे सजा जरूर दी जाए, मामले की पूरी तरीके से जांच की जाए। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी न्यूज 100। मैं साथी मनोज के साथ शालिनी पांडे।